का उद्देश्य है जो दंगा कराते हैं, दंगा कराने वालों को दंगा करने से रोकना। यात्रा का उद्देश्य है हिंदुओं को एकत्रित करना। लोग संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे, यही यात्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। एक अजीब बात देखने को मिल रही है बिहार में, जिसमें केंद्रीय मंत्री एक ऐसी यात्रा पर हैं जिस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ सरकार चला रही है। गिरिराज सिंह प्रदेश से सांसद हैं, बेगूसराय से केंद्र में मंत्री हैं, और वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर बिहार के कोसी और सीमांचल के इलाके में घूम रहे हैं। वो इलाका आप जानते हैं कि ऐसा इलाका है जहां पर बाकी बिहार के जो इलाके हैं उससे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वहां पर है। मुस्लिम बहुल इलाके बहुत से हैं। किशनगंज, जहां उस यात्रा की समाप्ति होनी है, वहां पर करीब 70% मुस्लिम आबादी कही जाती है। कहानी जो भी हो, लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ये यात्रा लेकर गिरिराज सिंह जब निकले हैं, यात्राएं बहुत निकलती हैं, राजनीतिज्ञ लेकर निकलते रहते हैं, तो खास क्या है। और दूसरी तरफ एक और घटनाक्रम हो रहा है बिहार में, वो ये है कि नीतीश कुमार, जिनके 12 सांसद एक मजबूत स्तंभ की तरह केंद्र की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, केंद्र की सरकार में समर्थन चंद्रबाबू नायडू भी दे रहे हैं, और केंद्र की सरकार जो कि गठबंधन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही है, इन गठबंधन सहयोगियों के दम पर चल रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार के सबसे चहेते माने जाने वाले अधिकारियों में से एक संजीव हंस, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि कोई अगर दोषी है तो नीतीश कुमार उसकी रक्षा में आ जाएंगे, लेकिन यह गिरफ्तारी इस बात का भी तो सबूत है कि ईडी की कार्यवाही अपने तरीके से बिहार में हो रही है। ईडी की कार्यवाही अपने तरीके से बिहार में हो रही है। ईडी की कार्यवाही जिस तरह से होती है उस पर बहुत बार प्रश्न भी उठता है, और भले ही ये कार्रवाई मेरिट के अनुसार होगी, लेकिन इसकी टाइमिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार फिलहाल पब्लिक में जरा कम निकल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें चलती रहती हैं, और ऐसे में जबकि सामने उपचुनाव है, उपचुनाव में लोहा लेना है भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन से, एक ऐसा माहौल भी तैयार हो रहा है जो कि चुनावी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद, झारखंड के चुनाव के बाद, निगाहें होंगी दिल्ली और बिहार के चुनाव पर, जो कि ज्यादा दिन दूर नहीं है। अब यहां से एक एक कर चीजों को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो दो तीन घटनाएं हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। एक यात्रा, एक अधिकारी का अरेस्ट, ये सब ऐसा नहीं है कि अनकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि इनसे नीतीश जी का स्वास्थ्य अनकनेक्टेड है, ये सब कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, और शायद यही एक वजह है कि आज की तारीख में इस यात्रा की बड़ी चर्चा हो रही है। गिरिराज सिंह लगातार मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं। मोदी सरकार में बहुत कम लोग हैं जो लगातार मंत्री रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह उन नेताओं में आते हैं, बेगूसराय से चुनकर आते हैं, और इस बार जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो जनता दल यूनाइटेड
जाहिर है वो जब साथ थी और उनके नेता ललन सिंह केंद्र में मंत्री बनने वाले थे तो बहुत लोगों को लग रहा था कि इस बार शायद गिरिराज सिंह को मंत्री पद न मिले। एक तो ये कि जिस समाज से ललन सिंह आते हैं उसी समाज से गिरिराज सिंह आते हैं, भूमिहार समाज, तो फिर ऐसे में कैसे हो सकता है कि एक ही समाज के दो लोग आ जाएंगे। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि अगल बगल की सीटें हैं, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, मुंगेर से ललन सिंह, तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि इतने पास पास की सीटों पर जीतने वाले को केंद्र में दो मंत्री बना दिया जाए, दोनों कैबिनेट में हो। ये भी बहुत असामान्य है। लोग सोच रहे थे कि राजपूत समुदाय से तो कोई ना कोई मंत्री होंगे ही, क्योंकि आर के सिंह चुनाव हार गए थे तो कोई ना कोई प्रतिनिधित्व तो दिया जाएगा। जी नहीं, वो भी नहीं हुआ। मुंगेर और बेगूसराय के बावजूद दोनों मंत्री बने और गिरिराज सिंह भले ही मुंगेर से जो सांसद और अब मंत्री ललन सिंह है उसी समुदाय से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया। उस वक्त लोगों को ये लगा कि इस संयोग का मतलब क्या है, भले समझ में ना आ रहा हो लेकिन कुछ ना कुछ तो है। और देखिए क्या है, ये समझ में बात आ रही है। मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी गिरिराज जी से और उनसे आने वाले दिनों के कार्यक्रमों के बारे में जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने मुझे इस यात्रा के बारे में कुछ जानकारियां दी थी और उन्होंने कहा था कि उनके दिल के बड़े करीब है ये जो यात्रा है और हिंदू जागरण अभियान, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे देश की आबादी और हमारे देश की जो डेमोग्राफी है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, ख़ासतौर पर बिहार में और पूरे देश में। जिस तरह से जनसंख्या है उसका संतुलन है वो साल 1951 के मुकाबले साल 2024 आते आते बहुत बदल गया है। हिंदुओं की आबादी एक दौर में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज वो 80% से भी नीचे आ गई है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे 400 ज़िले हैं हमारे देश में, ऐसा उनकी टीम का मानना है, गिरिराज जी का मानना है, जहाँ पर करीब 1600 जगह ऐसे हैं, हर ज़िले में औसत 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा उनका ये अपना मानना है कि जो तनाव की स्थिति समाज में हो रही है वो दरअसल हिंदू स्वाभिमान और हिंदू सुरक्षा दोनों खतरे में है और इस कारण से ये यात्रा बहुत ज़रूरी है। यात्रा की शुरुआत उन्होंने शुक्रवार से की और यात्रा 22 तारीख को किशनगंज में खत्म होगी। और जो रूट मैप चुना गया उसके बारे में अगर आप समझेंगे तो वो कोसी सीमांचल ये पूरा इलाका कवर करता है, यानी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में गुजरता है बिहार के, और जहाँ से वो शुरू होता है भागलपुर, वहाँ से लेकर किशनगंज तक। एक बात बार बार अपने संबोधनों में गिरिराज सिंह कह रहे हैं वो ये है कि उनके लिए हिंदू जागरण, हिंदू स्वाभिमान इतना महत्वपूर्ण है कि अगर मंत्री पद चला भी जाता है तो कोई गम नहीं। आप सोचिए कि कितनी शिद्दत से इस बात को वो महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बिहार में हिंदू बहुत सुरक्षित नहीं है। इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार किनारा अगर कर लिया है तो फिर देश में केंद्रीय मंत्री के पद पर आसीन गिरिराज सिंह ये यात्रा कैसे कर रहे हैं? क्या वो अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में कोई यात्रा कर सकते हैं? क्या इस यात्रा को अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का वरदहस्त प्राप्त न हो तो क्या ये यात्रा हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी के कार्ड होल्डर मेंबर सदस्य गिरिराज सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी की इच्छा से इतर कोई यात्रा कर सकते हैं? ऐसे सवाल किसी के भी मन में आएगा जब पार्टी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह की यात्रा से ताल्लुक नहीं रखती है। बकौल दिलीप जायसवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी
प्रदेश बिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमारी प्रदेश इकाई का इस यात्रा विषय से कोई लेना देना नहीं है। जो बात नहीं कही गई वो ये कि किसी भी कार्यकर्ता को रोका नहीं गया, लिहाजा भागलपुर से जब यात्रा की शुरुआत शुक्रवार को हुई तो तमाम आसपास के भारतीय जनता पार्टी विधायक जमा हुए और उन्होंने त्रिशूल भेंट किया मंत्री गिरिराज सिंह को। त्रिशूल जो कि भगवान शंकर के प्रतीक चिन्हों में से एक, भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल हिंदुत्व की पहचान, और त्रिशूल भेंट किया गया गिरिराज सिंह को, किनके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों कार्यकर्ताओं के द्वारा। वहां से प्रस्थान यात्रा भागलपुर से करती है और भागलपुर से यात्रा प्रस्थान कर पहुंचती है कटिहार, और कटिहार में भी उनका संबोधन और उनका स्वागत जबरदस्त, और उसके बाद यात्रा पूर्णिया के लिए निकल गई। पूर्णिया जो कि पप्पू यादव के नाम से आजकल जाना जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव ने इंडिपेंडेंट खड़े होकर वहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के उम्मीदवारों को परास्त कर दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में वन ऑफ द जॉइंट किलर्स कहा जा रहा है पप्पू यादव हैं। उन्होंने इस यात्रा के बारे में क्या कहा है जरा सुनिए। भैया हिंदू तो वैसे 122 करोड़ है भाई, सनातनी हिंदू क्या सनातन है, और राम और नानक बुद्ध कबीर ये सभी लोग, ये कृष्ण, ये गौरवशाली परंपरा रही है। अब उनको तो कुछ पता है नहीं, भगवान परशुराम क्रांति जो किए थे और अन्याय के खिलाफ लड़े थे, कौन सी का भूमिहार है भगवान ने जाने। वो जब भगवान परशुराम को नहीं जानेंगे तो भगवान वो किसको जानेंगे। तो इसलिए यात्रा फात्रा तो सबका चला, कोई 60 लाख का यात्रा था, कोई वैनिटिंग बस में सोने का यात्रा था, कोई सारे माफिया को बना करके जो कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ना मुसहरी गए ना पासवान टोली गए ना निशा टोली गए ना मला टोली गए ना पानी में गए ना बाढ़ में गए, अलाउद्दीन के चिराग की तरह टिटी की तरह हम ही टेक लेंगे। तो भैया जाइए ना, मदद करिए, आप लोग के जेब में पैसा नहीं है, चुनाव में प्लेन नहीं है, अब एक एक सा प्लेन रहता है, काहे नहीं जाते हैं, काहे औकात नहीं होता है। ये जितना इधर से उधर वाला सबको एमएलए एमपी बनने का शौक है, जो इधर नहीं जो उधर नहीं। तो भैया ये जो क्रांति करते हो ये मत करिए। पप्पू यादव को लगता है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए गिरिराज सिंह ये यात्रा कर रहे हैं। किसी को भी लग सकता है जो उनका विरोधी है, वो ऐसे ही सोच सकता है। यह यात्रा किशनगंज जाकर खत्म होती है और फिर क्यों चुना गया इसी क्षेत्र को, ये पहले चरण की यात्रा की शुरुआत यहीं से क्यों हुई, और अगर ये पहला चरण है तो फिर आने वाले दिनों में और भी चरण होंगे इस यात्रा के, ये तो बड़ा स्पष्ट है। तो ऐसे में पप्पू यादव की जो प्रतिक्रिया है वो जैसी है वैसी है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत से मुस्लिम वोट भी मिलते हैं और इस कारण से वो अपनी प्रतिक्रिया लेकर सामने खड़े हैं। उनका ये कहना है कि अगर सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो उनके रथ के आगे, गिरिराज जी के रथ के आगे सो जाएंगे, और पप्पू यादव ऐसा कर सकते हैं, उनकी अपनी एक बड़ी बिंदास छवि है, वो अपने आप में वन मैन आर्मी की तरह है, चाहे कोई भी क्राइसिस आ जाए बिहार में सबसे पहले व्यक्ति के तौर पर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिसको कहा जाता है, वो जाते हैं। और उन्होंने सवाल उठा दिया है, बाढ़ आया था, बाढ़ में क्यों नहीं आए गिरिराज सिंह, उसी इलाके में बाढ़ आई थी, क्यों नहीं उन्होंने मदद इमदाद पहुंचाई, बाढ़ में क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा अभी घटना घटी है जहरीली शराब की, सारण गोपालगंज में मरने वाले अधिकांश तो हिंदू ही है, वहां क्यों नहीं गए? वो ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिन सवालों के जवाब देना गिरिराज सिंह को मुश्किल है, लेकिन गिरिराज सिंह भी ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जो आज की तारीख में बहुत से राज्यों में, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर खड़े किए जा रहे हैं। लव जिहाद के अलावा और तरह तरह के जिहाद जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि आखिरकार
बहराइच में अगर गोपाल मिश्रा को गोली मारी जाती है तो क्या तेजस्वी यादव ने उनके बारे में बात की, क्या अखिलेश यादव ने उनके बारे में बात की, राहुल गांधी ने उनके बारे में बात क्यों नहीं की? क्यों ऐसा है कि एक हिंदू मारा जाता है और वो भी तब जब दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होना है, यात्रा निकल रही है और उस दौरान होता है? इस तरह की घटना अगर होती है तो फिर क्यों चुप रह जाते हैं ये तथाकथित सेक्युलर लोग? ऐसे सवाल अगर उठाए जा रहे हैं दोनों तरफ से तो यकीन मानिए कि आसपास चुनाव है और वो चुनाव तो है 4 सीटों पर। ये बात अलग है कि जो 4 सीट जहां चुनाव है वो इन सब इलाकों से बहुत दूर है, लेकिन राज्य एक है तो असर तो होगा। और क्या उसके लिए ये किया जा रहा है, क्या इस बात के लिए किया जा रहा है कि बिहार के पास कोई अपना योगी आदित्यनाथ नहीं है? बिहार जातीय राजनीति के लिए जाना जाता है, बिहार कभी भी सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देता हुआ नहीं सामने आपको दिखा है। तो क्या बिहार की जो सियासत है उसके DNA को बदलने की भी कोशिश है, या फिर एक गंभीरता है गिरिराज सिंह की इस यात्रा के कोशिश में, जिसमें कि वो चाहते हैं कि सचमुच हिंदू आबादी घट रही है और उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति जागृत किया जाए ताकि जो सनातन संस्कृति है वो कायम रहे। उनका ये कहना है कि देखिए कोई भी सेक्रीफाइस सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए की जा सकती है। अब ये बातें जो रूट मैप है वो जिस तरह से गुजरता है, जो बातें कही जाती हैं कि हम दंगा रोकने के लिए आए हैं, दंगा कराने के लिए नहीं आए हैं, वो ये बताने की कोशिश कह रहे हैं कि अगर हिंदू सशक्त रहेगा तो देश बचेगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि आपको आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोलते हुए नज़र आएंगे, ख़ासतौर पर जो प्रखर हिंदुत्व की बात करते हैं। तो क्या बिहार में एक नया प्रयोग चल रहा है? अब इसके दूसरे पक्ष में आइए। दूसरा पक्ष ये है कि जिस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना रखी है बिहार में, जनता दल यूनाइटेड, वो अपनी छवि जो उसने सेक्युलर बना रखी है उसके लिए जानी जाती है, लिहाजा उसने अपने आप को पार्टी के तौर पर इस यात्रा से अलग कर लिया, कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है, BJP सहयोगी है, लेकिन गिरिराज सिंह की इस यात्रा से वो अलग है। गिरिराज सिंह को जिताने में जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन तो किया ही था, लेकिन आज ये बोलना पड़ रहा है। क्या कुछ बदल रहा है बिहार में? क्या कुछ बदल रहा है और इसी कारण से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने आप को अलग कर लिया, जनता दल यूनाइटेड ने अलग कर लिया, फिर भी केंद्रीय मंत्री हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर के बिहार में चल रहे हैं। यानी कि जो लीडरशिप है जनता दल यूनाइटेड की, जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, इस यात्रा को लेकर कम से कम एक पेज पर नहीं है, एक मन मिजाज दोनों का नहीं है। सब मानते हैं इस बात को कि उसी इलाके से जनता दल यूनाइटेड को मुस्लिम वोट्स मिलते हैं, कोसी और सीमांचल के इलाके से उसके उम्मीदवार खड़े होते हैं। किशनगंज की सीट इस बार जनता दल यूनाइटेड को ही दी थी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने के लिए। जाहिर है अगर वो वोट लेती है तो फिर इस यात्रा का वो विरोध करेगी, लाजमी है, लेकिन वो सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विरोध के अलावा और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। पूरा प्रशासन यात्रा सफलता से निकले इसको इंश्योर करने में लगा हुआ है और जनता दल यूनाइटेड अंदर अंदर भले ही नाराज हो, जलभुन रही हो, लेकिन ऊपर से बस वो इतना ही कह सकती है। वो इस बात को महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने फुटप्रिंट्स को किस तरह से बढ़ा रही है। जातीयता की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी ने साल 2015 से लेकर अब तक ये देख लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय फलक पर आने के बावजूद बिहार में इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। लोकसभा चुनाव चलिए ठीक है, लेकिन जहाँ तक विधानसभा चुनाव, उसमें बड़ा ही सीमित अपील कास्टिज्म के सामने कमज़ोर पड़ जाती है हिंदुत्व की राजनीति। और ऐसे में अगर ये राजनीति की जा रही है तो क्या ये सोच समझकर
कि भारतीय जनता पार्टी की अपील को बढ़ाने का एकमात्र जरिया यही है कि प्रखर हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जाए। और ऐसे में नीतीश कुमार, जिनके दम पर न केवल बिहार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, या फिर यूं कह लें कि एनडीए की सरकार जिनके दम पर है, और भारतीय जनता पार्टी आज ज़्यादा विधायक होने के बावजूद उन्हें समर्थन अगर कर रही है तो वो केंद्र में समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। लिहाजा ऐसा कोई एहसान एक दूसरे पर नहीं है। केंद्रीय सरकार को 12 विधायक सांसदों की ज़रूरत है, तभी तो केंद्र की सरकार स्टेबल है। लेकिन शायद सुनी नहीं जा रही है नीतीश कुमार की, और इसी कारण से इस तरह की यात्रा जो पहले कभी नहीं होती थी वो हो रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी तौर पर अपने आप को सशक्त कर रही है बिहार में, और जनता दल यूनाइटेड मूक दर्शक बनने को मजबूर है। एक और उदाहरण है, और वो ये है कि चहेते आईएएस ऑफिसर, जैसी कि हमने बात आपको बताई शुरुआत में, संजीव हंस, वो गिरफ्तार हो गए और ईडी के मामले उनके ऊपर थे, इसीलिए वो गिरफ्तार हुए। पर अगर चहेते अफसरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बड़ी व्यवहारिक बात, तो कहीं शिकंजा तो नहीं कसा जा रहा है? बहुत से अधिकारी जिनके ऊपर मामले हैं, सब अधिकारी गिरफ्तार नहीं होते। बिहार में पिछली दफा जो आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हुए थे साल 2016 में, नए नए अधिकारी थे, कहीं कुछ घूस लेते हुए पकड़ में आ गए थे, वो गिरफ्तार हो गए थे, बेल हो गया था। पर ये तो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, दिल्ली में भी सेवाएं दे चुके हैं, और वो गिरफ्तार हो गए हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन भी चुप है, ईडी ने गिरफ्तार किया है, एक खौफ का आलम है। अब देखिए कि ऐसी सरकार के चहेते ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है जिसके सांसदों की जरूरत केंद्र में भी है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे राज्य में यह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है जहां पर जनता दल यूनाइटेड सत्ता में है, और वो नहीं चाहती है कि इस तरह की यात्राएं निकाली जाए, बावजूद इसके निकाली जा रही है। तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच कौन हावी है। आने वाले दिनों में भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है, ये घोषणा हो चुकी है, लेकिन स्वरूप क्या रहने वाला है ये बड़ा स्पष्ट है। बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती से अपना कद बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी एक नए राजनीतिक मुकाम को हासिल कर लेना चाहती है। तो ऐसा क्यों हो कैसे रहा है? आखिर नीतीश कुमार जो अपने चाल के लिए जाने जाते थे, जो अपने गणित के लिए जाने जाते थे, अपनी बारीक महीन राजनीतिक समझ के लिए जाने जाते थे, वो कहाँ मात खा रहे हैं? क्योंकि समर्थन करने वाले चंद्रबाबू नायडू, वो तो भारतीय जनता पार्टी से जितनी मदद ले सकते हैं वो ले रहे हैं। इंप्रेशन यही है, बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है, आंध्र प्रदेश सब कुछ ले जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी जो 317 करोड़ का स्किल डेवलपमेंट स्कैम था ईडी के मामले में, ईडी जिसकी जांच कर रही थी, जिसमें नाम चंद्रबाबू नायडू का था, उसमें क्लीन चिट हो मिल गया, चंद्रबाबू नायडू क्लीन चिट पा गए, दो दिन पहले की बात है। ईडी ने कह दिया कि गबन तो हुआ है 317 करोड़ का स्किल डेवलपमेंट स्कैम आंध्र प्रदेश में, लेकिन पैसे के गबन से चंद्रबाबू नायडू का कोई नाता नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है सत्य आधारित, हो सकता है विवेचना के बाद ईडी को लगा हो, ईडी वहां पर क्लीन चिट देती है, ईडी यहां पर गिरफ्तार करती है। नीतीश कुमार सब देख रहे हैं, मजबूर है क्या? लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं है, और इस कारण से वो जो उनकी क्षमता थी वो आज की तारीख में उस तरह से वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनके जो सहयोगी हैं वो सहयोगी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उनके सहयोगी जो आज फैसले ले रहे हैं वो उस तरह से फैसले भारतीय जनता पार्टी के विरोध जा कर के नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं बिहार में?
क्या बिहार एक ऐसी दिशा में है सियासी तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में हम और मजबूत होता देखेंगे? और उस प्रकरण की शुरुआत गिरिराज सिंह ने कर दी है, ईडी अपने तरीके से काम करती है, वो आगे भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए काम करती है, वो आगे भी करेगी। और रोक सकने की जो क्षमता पहले जनता दल यूनाइटेड इसी संबंधों में इसी तरह से दिखा दिया करती थी, अब वो समीकरण शायद बदल चुका है। 2020 का चिराग मॉडल जनता दल यूनाइटेड को बेतरह कमजोर कर गया, और उस कमजोरी का असर, बावजूद इसके कि 12 सांसदों के दम पर केंद्र की सरकार चल रही है, असर साफ दिखाई पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि बिहार का गणित समझना इतना आसान भी नहीं है, और अगर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो रही है, तो आप कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको ये न्यूज वीडियो कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।